देखिए चुनाव पूरे देश में हो रहे हैं और पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते मुझे इस कार्यकर्ता बैठक में आने का न्योता मिला है और इसलिए आज यहाँ पर जो कार्यकर्ताओं की बैठक हुई है उसमें मैं आया हूँ। कार्यकर्ताओं में बड़ा जोश है, बड़ा उत्साह है, आपने सब देखा है जी। और मैं कह सकता हूँ कि जिस तरह का जोश, जिस तरह का उत्साह यहाँ के कार्यकर्ताओं में है वो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण सफलता की ओर ले जाएगा। सर, प्रियंका गांधी जो अब कांग्रेस में आई है, बीजेपी को क्या फर्क उससे पड़ने वाला है उत्तर प्रदेश की अगर हम बात कर रहे हैं, क्योंकि और वैसे महासचिव के तौर पर भी, क्योंकि देखिए प्रियंका गांधी हताशा और निराशा में से निकला हुआ नाम है। जब कांग्रेस के सारे शस्त्र फेल हो गए तो प्रियंका जी को आगे लाए हैं, उनको लगता है कि शायद इससे कुछ कल्याण हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी को इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, हमारा एक एक कार्यकर्ता प्रियंका का मुकाबला कर सकता है। अच्छा, गठबंधन बनता जा रहा है और कहीं ना कहीं पार्टियां हैं विपक्ष में एकजुट होकर 2019 की तैयारी कर रही है, भाजपा गठबंधन से कैसे डील करेगी? देखिए भाई, भारतीय जनता पार्टी एक ग्राउंड लेवल पर जिसका संगठन है उसको हम बूथ स्तर कहते हैं। हमारा बूथ का कार्यकर्ता उस सबके लिए तैयार है। बूथ पर अगर मजबूती होगी तो हम चुनाव स्वाभाविक रूप से जीत जाएंगे और इसलिए चाहे गठबंधन हो चाहे महागठबंधन हो, लेकिन महागठबंधन को देख तो लीजिए कि है क्या उनके पास, कितने सांसद उनके पास है, कितने विधायक उनके पास है। मैं समझता हूँ कि कोई भी पार्टी नेताओं से नहीं कार्यकर्ताओं से खड़ी होती है, हमारे पास कार्यकर्ता। सर, देश में ईवीएम को लेकर एक बहस छिड़ी हुई है जो अमेरिका में एक साइबर एक्सपर्ट ने कह दिया, हालांकि सीईसी ने साफ कर दिया कि किसी भी हालत में बैलेट से चुनाव नहीं होगा, तो इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? ये इस तरह के संदेह बार बार व्यक्त किए गए हैं और मैं समझता हूँ कि ये संदेह वाली बातें हैं, चीज़ों से कोई बहुत ज़्यादा चुनाव को प्रभावित करता ऐसा नहीं है जी। लेकिन जो कमजोर लोग हैं तो इस तरह से चिल्लाते हैं। देखिए जब सरकारें होती हैं तो अपेक्षाएं बहुत जागृत हो जाती हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने इस तरह से देश के विकास के लिए और हर मोर्चे पर जो काम किया है, चाहे महिलाओं का मोर्चा होगा, युवाओं का मोर्चा होगा, व्यापार से जुड़ी हुई चीज़ें होंगी, उद्योग से जुड़ी हुई चीज़ें होंगी, फिल्म से जुड़ी होंगी, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय नीतियाँ होंगी, इस तरह से उन्होंने काम किया है। मैं समझता हूँ कि अभूतपूर्व काम नरेंद्र भाई मोदी ने किया है और देश की जनता नरेंद्र भाई मोदी की ओर देख रही है, उनको कोई विकल्प दिखाई नहीं दे रहा है। सर, आखिरी बस ये कि आपने कहा मध्य प्रदेश में हम हारे नहीं है, राजस्थान में भी हम नहीं हारे, एक बार कैमरे पर भी। देखिए मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का वोट देखेंगे आप तो जितना वोट कांग्रेस को मिला है उससे हमने 0.5% वोट ज़्यादा पाया है और इसलिए मैंने कहा वहाँ पर हम हारे नहीं हैं, वहाँ की जनता ने हमको जिताया है, गणित के खेल में हम पीछे रह गए ये अलग बात है। राजस्थान को लेकर सब ये कहते हैं कि 20-25 सीट के बीच में बीजेपी सिमट जाएगी, लेकिन वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी 0.5% वोट से पीछे रही है और इसलिए मैंने कहा कि वहाँ हम ये नहीं कह सकते कि वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी हारी है, ठीक है सरकार नहीं बना पाए, लेकिन वहाँ की जनता के मन में आज आक्रोश है कि कहीं ना कहीं हमसे गलती हुई है और भारतीय जनता पार्टी अगर वहाँ पर हारी है तो मैं मानता हूँ कि हमारे कार्यकर्ताओं को संभलने का मौका दिया है और अगर हम हारे हैं तो हम जीतने के लिए हारे हैं। देखिए वहाँ पर ओवरऑल माहौल था, अब पूरे देश में माहौल था कि छत्तीसगढ़ बिजली निकल जाएगा, उसमें क्या होता है कि कार्यकर्ता थोड़ी सी शिथिलता हो गई तो उसके कारण चुनाव थोड़े में से ही गड़बड़ हो जाता है। तमाम तरह के जो लोभ लालच भी वहाँ पर दिए गए, किसानों का ऋण माफ़ कर देंगे, तरह तरह की जो हम गेहूँ चावल के दाम बढ़ा देंगे, इस तरह की भी चीज़ें वहाँ पर फैक्टर रही और ओवर कॉन्फिडेंस के फैक्टर। उत्तराखंड में कैसे मुकाबला देगा? 5 सीटें जीती है, इस बार भी 5 सीटें जीतेगी। उत्तराखंड में जो भी चुनाव इस बीच में हुए हैं, चाहे उपचुनाव हो, विधानसभा का हुआ हो, पंचायतों के चुनाव हुए हैं, स्थानीय निकाय के चुनाव हुए हैं, हमने विधानसभा से 4% ज़्यादा वोट पाया है और उत्तराखंड में पूरी तरह आश्वस्त है कि 5 सीटें जीती।